नमस्कार, MyMTP वेब पोर्टल वर मी हर्षद वैद्य कॅमेरामन योगेश सोबत तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो। आपल्या भावनांना मोकळी वाट करून देणं हे बरंचदा आपल्याकडे कमीपणाचं समजलं जातं, पण ह्याच भावनांना मोकळी वाट जर मिळाली नाही तर त्यांचं एका गंभीर आजारांमध्ये किंवा काही भयानक गोष्टींमध्ये रूपांतर होऊ शकतं ह्याची आपल्याला कल्पनाच नसते। ह्याच भावनांना मोकळं वाट करून देण्याच्या किंवा भावनांचं महत्त्व आपल्या NGO मार्फत पटवून देणारे उमंग सेठ सर आपल्यासोबत आहेत। त्यांच्या द हगिंग क्लब ऑफ इंडिया या त्यांच्या NGO बोलण्यासाठी आपल्यासोबत ते उपस्थित आहेत, तर आपण मुलाखतीला सुरुवात करूया। सर, मेरा आपका से पहला सवाल ये है कि इमोशन्स जो होता है, मतलब ये जो आपका मतलब हगिंग क्लब ऑफ इंडिया या फिर आइडिया, ये जो आपका एड एजेंसी है, इसका थॉट किधर से आया, मतलब आपने शुरू क्यों किया, और मतलब इसका आपने मुझे बताया कि आपका बहुत अच्छी स्टोरी है, वो हमें स्टोरी बताइए। डेफिनेटली, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। सो कोई भी चीज़ है जो आदमी को छू लेते हैं वो इमोशंस है, यू नो, इफ़ यू वांट टू गेट एनीथिंग्स डन और टू कनेक्ट आल्सो, किसी को रिश्ता भी जुड़ना है तो इमोशंस है। बचपन से मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ। क्यों स्ट्रांग हूँ कि उसके पीछे एक स्टोरी है। मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ मेरी मम्मी को एक मेंटल इलनेस है जिसको बोलते हैं स्किजोफ्रेनिया, और मेरी डैडी को मेंटल इलनेस है जिसको बोलते हैं बाइपोलर। ओके, अभी मेरी मम्मी को भूत दिखते थे, वो मेरे अंकल को बोल के फोन करके बोलती थी कि योर डेड वाइफ इज इन माई किचन, आई एम गिविंग फूड, आई एम गिविंग शेल्टर, प्लीज कम एंड पिकअप। सो आई ग्रो अप बीइंग वेरी अशेम एंड एम्बैरस्ड ऑफ माई मॉम, यू नो, कि ये क्या है, यू नो, और बाकी सबकी मम्मी कितनी स्मार्ट और स्ट्रांग है और मेरी मम्मी ये क्या बात करती है। मेरी डैडी को मानसिक बीमारी है जिसको बोलते हैं बाइपोलर, तो जब भी पगार आता था तो जुए में पूरा उड़ा देते थे, 10 दिन घर पे नहीं आते थे, और मेरी माँ रोती थी कि वो कब आएगी। तो मैं ऐसे परिवार में जन्म हुआ, जब मैं बहुत छोटा था तो ये मैंने सब देखा कि मेरी माँ को तो भूत दिखते, उसको साइकेट्रिस्ट के बाहर लेके जाने पड़ते, मेरे डैडी की कोई इज्जत ही नहीं है समाज में क्योंकि वो तो जुआरी है, यू नो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सो आई ग्रो अप दिस एनवायरमेंट विद वेरी अशेम्ड ऑफ माई पेरेंट्स, आई वॉज नॉट वेरी प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। But when I grew up, I realized that my mom did not choose schizophrenia. Schizophrenia chose my mom. मेरे डैडी ने मानसिक बीमारी नहीं चुनी, मानसिक बीमारी ने मेरे डैडी को चुना। तो मेरे पापा बुरे इंसान नहीं है, उन्हें बुरी बीमारी है। So I spent my whole childhood fighting with my parents कि तुम घर पर क्यों नहीं आ रहे हो डैडी, तुम बाहर, बाकी के पाप डैडी, बाकी के सब नेबर्स के बच्चे के डैडी रात को घर आते, तुम नहीं आते थे, तुम ये हो वो हो ये वो। देन व्हेन आई अंडरस्टूड दिस, आई रियलाइज दैट आई हैव टू फाइट विद द इलनेस, नॉट विद माय डैड। एंड दैट वाज द होल टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई रियलाइज दैट द मेंटल इलनेस चोज माय पेरेंट्स डिड नॉट, सो दे वर आल्सो अ विक्टिम। सो देन दैट्स हाउ, यू नो, आई स्टार्टेड दिस हगिंग क्लब ऑफ इंडिया। नाउ द थिंग इज, जब बचपन में ये सब हुआ ना, तो एकदम सब ऑड था, वियर्ड बोलते ये सब था, तो कुछ अजीब नहीं लगा जब मैं बड़े होके खुल के बात करने का, क्योंकि बचपन में इतना सब देखा है तो वो शर्म के लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, क्योंकि मम्मी डैडी झगड़ा करते थे, डैडी लेट आते थे, मम्मी को ये सब दिखता था, सब लोग चार लोग जमा हो जाते, तो ये सब देखा है। तो टू टॉक समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स बिकेम वेरी नेचुरल टू मी बिकॉज आई हैड सीन इन दिस। सो बिकॉज ऑफ दिस, जब जो मुझे शर्म थी कि ये ऐसे है, टूडे इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट कि आई कैन टॉक अबाउट इट, वेरी आई कैन टॉक समथिंग वेरी अनयूजुअल, यू नो, बिकॉज ऑफ वॉट आई सॉ इन द चाइल्ड, यू नो। सो दैट्स वाई आई एम वेरी गुड विथ इमोशंस बिकॉज आई हैव सीन दिस, एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड एन NGO कॉल्ड द हगिंग क्लब ऑफ इंडिया टू रिमूव स्टिग्मा अराउंड मेंटल इलनेस, एंड आई स्टार्टेड माई एडवर्टाइजिंग एजेंसी वेर विथ इमोशंस आई कैन टच पीपल्स हार्ट। Yeah, so this is one very nice concept that with emotions we can touch with the hearts and we can connect with the people as well. So can you give some instances that you have some this kind of ad I have made and this impact I got and or replies I received? Sure. So can you give some instances like Definitely. That? So there are a couple of ads on my Facebook page of idea, but I'll give you 2-3 examples. My whole idea, jo my ad agency is na, is a short emotional ads to bring a change. Main ad aise banata hu jo duniya logon ke dimag sochne ka tarika badle,
इम्पैक्ट, मुझे बदलाव लाना है. आई कॉल माई सेल्फ एज अ टैबू थ्रैशर, स्टिग्मा शैटरर, चेंज एनेबलर. तो मेरी एड वही रिलेट करती है. आई गिव यू टू थ्री एग्जाम्पल जो मैं जो सब टैबूज होते हैं. सो मैं ऐड जैसे बनाता हूँ कि लाल पीले और हरे रंग से मुंह काला नहीं होता, एनकरेज विडोज टू प्ले होली. ओके, फिर आई मेड सम यू टॉकिंग अबाउट रेफरेंसेज, मैंने एक ऐड बनाया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था. उसमें लिखा था कि when you took two extra rotis for lunch, your mom said I am not hungry. Now when you are taking two extra minutes on the phone, when your mom is taking two extra minutes on the phone, you are saying I am busy. Also give quality time to your mother, you know. So this gave a lot of response. Somebody said मैंने ये पढ़ा और मेरी मम्मी को फोन किया, you know. Yeah, that nice. was so emotional. I make also ads like, you know, if your dustbin eats every day, but 200 million people sleep hungry every night, donate your leftover food. Right. So I make all these ads, you know, like something like I did not go to a party not because of my acidity but because of anxiety. Yeah. Not sorry for my mental illness, you know. I was admitted to a hospital not for hernia but because of my suicidal attempt. Not sorry for my mental illness, you know. Yeah. So this is a very nice concept, that not sorry for mental illness. Yeah. So this is the, I think I realized that this is the only concept behind the Hugging Club of this NGO, the Hugging Club of India. So can you give some information about Hugging Club, this NGO, and some work experiences you have come across? Okay. So Hugging Club of India, we started in 2017. We started this because my friend, he died of suicide in Hyderabad. And he was 40, his career wasn't going anywhere, and he thought talking about his mental illness, people will think he's immature. Yeah. He didn't. And when I saw this, I realized that how my childhood went, and let me also invite people to talk about themselves. Why to be ashamed of? And that's where we started the Hugging Club of India, to remove stigma. Over the 5 years, we have chapters in Bombay, Delhi, Hyderabad and Ahmedabad, where people have come and spoken openly, where they have never shared. You know, I shared something very beautiful. You know, amazing people come and share stories. Ek ladka aake mujhe bola Delhi mein, कि उमंग बचपन में है ना, मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे. मेरे मम्मी डैडी ने मुझे मेरे आका के घर पे छोड़ दिया और कोई फ्रेंड नहीं था. तो मैंने ना एक इमेजिनरी फ्रेंड बना दिया अपने दिमाग में. और अभी आज 30 साल का हूँ, फिर भी मैं उससे बात करता हूँ. इट इज लाइक दैट मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक. सो पीपल कम एंड टेल मी, देयर पीपल कम एंड टेल मी कि उमंग मैं 7 साल से ड्रग्स ले रहा हूँ और मुझे इससे बाहर लेना है. एक लड़का आके मुझे बोलता है कि मैं कितनी बार ट्राई किया ड्रग्स छोड़ने को, तो एक बार मेरे को पुलिस ने पकड़ा, तो मैंने पुलिस को बोला कि आप मुझे मार डालो क्योंकि मेरे से ये छूटता नहीं है, तो मुझे मार डालो. एंड दैट्स हाउ ही. सो ऐसे सब लोग आते हैं हमारे क्लब में और वो खुल के बात करते. देखो, क्लब तुम्हें सोल्यूशन नहीं देंगे लेकिन तुम्हें हिम्मत देंगे टू फाइंड अ सोल्यूशन. और जो अगर आप जाके अगर आप सोचते हैं कि जो दुनिया बोलती है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, लेकिन आप किसी और को मिलेंगे जो बोलती है कि मैं घर में बंद थी, कि मैं किसी से बात नहीं करती, मुझे सोशल एंग्जाइटी थी, और साइकेट्रिस्ट और उससे जाके मैं आज जॉब कर रही हूँ, सक्सेसफुल हूँ, तो आपको लगता है हाँ आप भी हेल्प ले सकते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन टेल यू इज दैट, सी व्हेन यू गेट अ हार्ट अटैक ना, पीपल विल रश टू हेल्प यू. अरे इसको क्या हो गया, अरे बाप रे ये वो. लेकिन तुम्हें पैनिक अटैक आएगा ना, लोग दूर जाएंगे. Yeah, लेकिन exactly. जैसे तुम्हारा हार्ट एक ऑर्गन है, तुम्हारा ब्रेन भी तो ऑर्गन है ना, एंड इट कैन फॉल इल. सो ये अगर हम स्टिग्मा निकाले कि ये बीमारी है, देन यू कैन यू नो टेक हेल्प. व्हाई सफर? या एग्जैक्टली. इंटरव्यू के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप इमोशंस के बारे में बोलते हो, इमोशंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बोलते हो, इमोशंस शेयरिंग के बारे में बोलते हो. तो आज बहुत सारे मीन्स मेनी चैलेंजेस वी आर फेसिंग करेंटली. सो वी हैव सीन द कोविड पैंडमिक एज वेल. सो वट काइंड ऑफ मैसेज वुड लाइक टू गिव द यंग जनरेशन एंड ऑल द पीपल दैट द इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट? वट काइंड ऑफ मैसेज वुड लाइक टू गिव? Yeah, so
वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर इमोशनल एंड वी हैव ऑल थॉट ऑफ थॉट्स यू नो कि आज मुझे गुस्सा आ रहा है, आज मुझे स्पेशली इन द पैंडेमिक जो कभी नहीं आ रहा था, हम बैठे तो 2 साल पहले इसी ने कुछ बोला, इसी ने कुछ बोला, यू नो हमें बहुत सारी इमोशनल टर्बुलेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फेस इट, टॉक अबाउट इट. देर आर मेनी वेज टू डील विद दिस इमोशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट अगर तुम्हें कुछ कोई बोल रहा है समाज में, अगर तुम्हें कोई नाम दे रहा है या तुम पे कोई कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग ऐसे बिहेव करते हो, या कोई भी तुम्हारा झगड़ा हो रहा है, सपोज तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम लोग ये क्या बोलते हैं, तुम लोग तू ऐसा दिखता है, तू अगर वाइट शर्ट पहनता है तो गंदा दिखता है, जो भी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लोग तुम्हें जो बोलते हैं और हमें दर्द होता है ना, वो सोसाइटी ने उसके दिमाग में डाला है. ओके, वो उसके खुद का पर्सनल नहीं है. सोसाइटी ने ऐसा बोला है कि व्हाटएवर, आई एम नॉट एबल टू कम अप विद एन एग्जांपल, बट सोसाइटी ने ऐसा बोला है कि अगर स्टील के कटोरी में खाओगे तो तुम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हो, हायर मिडिल क्लास के लोग कांच में खाते हैं. ये आदमी के दिमाग में सोसाइटी ने डाला है, बॉलीवुड ने डाला है, समाज ने डाला है. अगर तुम उसके वो तुम्हें ऐसे बोलता है तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, थिंक के किसी ने उसके दिमाग में डाला है, उसकी खुद की सोच नहीं है, सो यू विल नॉट गेट एंग्री विथ हिम. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इन दिस, टॉक अबाउट whatever you're going through, your emotion, take help. You know, whatever is it, go to your psychiatrist, counselor, or your friend, because it is you are not ill, your brain is ill. Your brain has got some challenges, not you. So brain, you are not the illness is just a small part of it. Aap kya bolenge ki mere paav ko fracture hua hai, mere ko fracture nahi hua hai, mere paav ko, to mere brain ko fracture hua hai, mere ko nahi. So don't make illness larger than life. It's just a part of you. So what I encourage people is that go and talk about your mental illness, because it is as good as physical illness. Aap diabetes, blood pressure khul ke baat kar rahe ho, so why not talk about bipolar, what emotional illness, you can frame it. Emotional illness, you can frame it. Emotional illness. Why don't you talk about mental illness, you know? Yes. Talk about it. You did not choose the illness. The illness chose you. Sir, you basically told us that how emotions are very important and what is the importance to break that stigma. आपने ये stigma break करने के लिए हमें इतना importance बताया और आपके experience हमारे साथ share किए, और बहुत आपके experience सुनकर अच्छा लगा, और ये बहुत बड़ा मैसेज हमें आपसे ये इंटरव्यू से मिला है. तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज लेके ही हम लोग ये इंटरव्यू का समाप्त इंटरव्यू एंड करते हैं. महा एमटीवी पूरे टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. धन्यवाद.